हाय गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम, को स्टार्ट किए थे, को पढ़ रहे थे। और अब तक हमने इस चैप्टर के 15 ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिए हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा पार्ट नंबर 16 है, पार्ट नंबर 16 है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम डेसिमल टू बाइनरी फ्रैक्शनल कन्वर्जन के बारे में जानेंगे, उसके रूल्स के बारे में, उसके एग्जांपल्स के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते हो तो ऐसे में मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आगे फ्यूचर में कभी भी डेसिमल टू बाइनरी फ्रैक्शनल कन्वर्जन डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको बोर नहीं करेगा। आप बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगर उससे पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, कोई भी चैप्टर देखना चाहते हो, सारे के सारे चैप्टर्स आपको हमारे चैनल द सीएस वाला पर मिल जाएंगे। तो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप सारे चैप्टर्स को बिल्कुल फ्री में देख सकते हो और किसी भी चैप्टर को पढ़कर अपना नॉलेज इन्हांस कर सकते हो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। मगर उससे पहले, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं द सीएस वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इससे पहले हम बात करें कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल कन्वर्जन के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है ताकि आपको पता तो चले कि आखिर में आप किस तरीके के कन्वर्जन को करने वाले हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। तो जब भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। अगर वो फ्रैक्शनल वैल्यू है या कहे तो फ्रैक्शनल कन्वर्जन है, तो बीच में आपको डेसिमल देखने को जरूर मिलेगा और नीचे उसका बेस दिया होगा। जैसे यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है, वो होता है 10। तो यहाँ पर आपको 10 मिल जाएगा, एरो बना होगा। आगे आपको जो कैलकुलेट करना होगा, जैसे यहाँ पर बाइनरी कैलकुलेट करना है तो बाइनरी का बेस होता है 2, और वो भी आपका डेसिमल में ही आएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन फ्रैक्शनल कन्वर्जन वाला है तो बीच में आपको डेसिमल देखने को जरूर से मिलेगा, आपके क्वेश्चन में तो देखने को मिलेगा, और आपका जो आंसर आएगा उसमें भी आपको डेसिमल देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन कैसा है, किस नंबर का है या कहे तो किस नंबर सिस्टम का है, तो वो आप उसके बेस से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डेसिमल है तो 10 है, बाइनरी होगा तो 2 होगा, ऑक्टल होगा तो 8 होगा, हेक्साडेसिमल होगा तो 16 होगा। ऑलरेडी अच्छा, चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप किस तरीके से डेसिमल वैल्यूज को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शनल कन्वर्जन के अंदर। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो गाइस, एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू दी गई है 9.25। ये हमारे पास जो वैल्यू है एक डेसिमल वैल्यू है, अब इसको हमको बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो चलिए फटाफट से इस डेसिमल वैल्यू का हम बाइनरी निकालते हैं। तो बाइनरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पॉइंट से यानी कि आपके फ्रैक्शनल से डेसिमल पॉइंट से जो इधर वाली वैल्यू है ना, जैसे हमारे यहाँ पर 9 दिया गया है, तो 9 को आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, तो आपका जो बाइनरी बेस होता है, आपको बाइनरी निकालना है तो बाइनरी के बेस से ही डिवाइड करना है। तो चलिए 9 को इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, इस तरीके से आपको 9 को डिवाइड करना है 2 से। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4, 4 दुनिया होता है 8, यहाँ पर है 9, तो एक हमारा बचाएगा, एक बचाएगा, उसको हम इधर रिमाइंडर में भेज देंगे। उसके बाद हम फिर से इसको करेंगे 2 से, अब 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, 2 दुनी 4 होता है, यहाँ पर 4 है, तो 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, 0 को इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद फिर से इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 2 जो होता है 2, यहाँ पर 2 है, तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से 0 लिख देंगे। ये हमारी डिवाइड कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, अब इसको हम इस तरीके से यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे और नीचे से ऊपर की तरफ जो हमारी वैल्यूज आई हैं ना, इनको हम लिख लेंगे। तो इस वाली वैल्यू को हमें किस तरीके से लिखना है, पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर 0 और फिर 1, यानी कि नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ आएंगे, नीचे 1 है, उसके बाद 0, फिर 0, फिर 1, और लेकिन इस तरीके से कर लेंगे तो हमारा इतना जो पोर्शन है क्वेश्चन का वो सॉल्व हो चुका है। अब बचा इधर 25, तो 25 के साथ आपको क्या खेल खेलना है, तो पॉइंट लगा करके 25 बचा हुआ है, तो पॉइंट लगाए इसका मतलब इधर हमारा 0 हो सकता है, यानी कि पॉइंट लगाए तो 0 मान लेते हैं इधर। अब इसको हमको क्या करना है, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि 2 बेस होता है हमारे बाइनरी नंबर्स का। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0.50। कितना आ गया, 0.50 आ गया। अब गाइस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो 0.50 आया है इसमें हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो रिमाइंडर जैसे यहाँ पर हमारे रिमाइंडर निकल रहे थे, वैसे यहाँ पर रिमाइंडर निकल आएगी हमारी ये वाली वैल्यू, पॉइंट से इधर वाली वैल्यू, जैसे हमारा यहाँ पर 0 बच रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपका ये जो आंसर आया हुआ है आपको इस वैल्यू को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए फटाफट से कर देते हैं, तो 0.50 हो जाएगा यहाँ पर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100,
100 आएगा और बीच में पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बच रही है, कितना रिमाइंडर बच रहा है, एक बच रहा है, तो एक को हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बस आपका काम हो गया, आपका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 0 0 हो जाएगा, यानी कि कुछ बचा नहीं, इतना हमारा था। अब इसके बाद में जैसे यहाँ से आप नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे थे, यहाँ पर आपको ऊपर से नीचे की तरफ चलना है और जो आपकी वैल्यूज आई हैं इनको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, यहाँ पर है वैल्यू 0 और 1, तो यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर इतनी वैल्यू है। अब आपको इन दोनों की दोनों वैल्यूज़ को आपस में मर्ज कर देना है, जोड़ देना है। तो जब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा 1 0 0 1 और इधर हमारे पास है 0 1 0 1 0 1 आ गया। इस तरीके से हमको कर देना है, बीच में पॉइंट भी लगा देना है। तो यहाँ पर हमारा जैसे पॉइंट लगा हुआ है, वैसे हमारे पास एक वैल्यू को लिखने के बाद अगली वैल्यू को लिखने से पहले यहाँ पर हम पॉइंट मार देंगे, छोटा सा पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं और इसका बेस होता है 2, तो 2 लिख देते हैं। तो लीजिए कुछ इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आई है 0 0 1 और पॉइंट फिर 0 1 लीजिए। तो इस तरीके से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वेट कीजिए, अभी एक एग्जांपल करके और देखते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको इरेज कर देता हूं और दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक वैल्यू दी गई है जो कि डेसिमल वैल्यू है। अब इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना है, मैंने आपको तरीके बताए हैं, बहुत सिंपल सा है। पॉइंट से पहले जो हमारी वैल्यू दी गई है इसको हमको डिवाइड करना है और इधर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, इधर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, इधर वाली वैल्यू को डिवाइड करना है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो डिवाइड करना है, जो मल्टीप्लाई करना है, दो से ही करना है, क्योंकि हमको बाइनरी कैलकुलेट करना है, बाइनरी निकालना है। ऑलराइट, तो चलिए फटाफट से करते हैं। तो हमारा 32 है, 32 को डिवाइड कर देते हैं। 32 को हम डिवाइड करेंगे कैसे, दो से करते हैं ना। चलिए अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो जब 16 को 2 से भाग करेंगे तो 32 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा, 8 दुनी होता है 16, यानी कि 8 दुना 16, तो रिमाइंडर फिर से 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम करेंगे तो 4 दुनी 8 होता है, हमारा रिमाइंडर फिर से 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 से फिर से करेंगे तो 2 दुनी 4 होता है, रिमाइंडर फिर से 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारा फिर से क्या हो जाएगा, अब फिर से 2 से भाग करेंगे तो 1 2 2 होता है, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसको हमको नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेना है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, फिर 1 2 3 4 5 बार 0 है, 1 2 3 4 5। ऑलराइट, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, हमारी बाइनरी वैल्यू आ गई इतने नंबर की। अब जो हमारा 125 बचा है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 125 है, इधर पॉइंट लगा है, तो पॉइंट लगा करके 125 करेंगे, तो पॉइंट से पहले हम 0 लगा देंगे। 0 लगाना चाहें लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम लगा लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, तो 25 तो नहीं होता है, 50 और 1 है, तो हो जाएगा हमारा 250, तो ये हमारा इतना आ जाएगा 250। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर में बच रहा है 0 0 को ऐसे लिख लेंगे। ऑलराइट गाइस, अब इसके बाद हमारे जो आंसर आया इसको हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.250 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 250 दुनी कितना होता है, 500, तो 500 हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 500 और इधर हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। अब इधर हमारा क्या आ जाएगा, इधर भी हमारा 0 ही आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर हमारा 500 आया है ना, तो अब गाइस यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यू आई इसको हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चलिए इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 500 है। अब 500 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 दुनी है 1000 हो जाएगा, तो अब लीजिए हमारा 1000 आ गया यहाँ पर। अब हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर में 1 आ जाएगा और इधर हमारा सारा कुछ 0 हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो 0 हो जाएगा, 0 से हमको कोई मतलब नहीं, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर हम नीचे से ऊपर की तरफ चले थे, यहाँ हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, तो नीचे की तरफ चलेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 0 1 0 0 1 और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू है, तो अब दोनों को मर्ज कर देंगे। मर्ज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा करके क्या कर सकते हैं, 0 0 1। अब 0 0 1 कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वाली वैल्यू को उठा करके यहाँ पर डाल देते हैं, तो 1 2 3 4 5 और इसके बाद में पॉइंट लगा करके 0 0 1। तो इस तरीके से हमारा ये बाइनरी नंबर आ गया इस डेसिमल वैल्यू का। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो सीखने के लिए 11th या 12th के कंप्यूटर साइंस को पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर एक बार जरूर से विजिट कीजिए। तो चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और सीखते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, पार्ट नंबर 17 में। तब तक के लिए नमस्कार।